हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। उत्तर है, वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहाँ यह भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। जल के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का प्रमुख आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई करना के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती। इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिसे कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है।